एक्सट्रैक्शन 2020, डायरेक्टेड बाय सैम हार्ग्रेव एंड रिटन बाय जो रूसो, जो कि एवेंजर्स के डायरेक्टर है जो रूसो, और सैम हार्ग्रेव वहाँ के स्टंट कोऑर्डिनेट है। मूवी का प्लॉट शुरू होता है एक छोटे लड़के से, ओवी महाजन, जो एक मुंबई के गैंगस्टर का एक बेटा है, बट वो अभी जेल में है। इस लड़के को एक बांग्लादेशी गैंगस्टर किडनैप करता है, और फिर हमारे मेन हीरो की एंट्री होती है क्रिस हेम्सवर्थ / थॉर। क्रिस हेम्सवर्थ को हायर किया जाता है इस लड़के को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बांग्लादेश से, जहाँ पे उस गैंगस्टर का बहुत बड़ा दबदबा है। और फिर शुरू होते हैं बेस्ट स्टंट्स, एक्शन। मैंने बहुत टाइम बाद एक जॉन विक के बाद इस मूवी में बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखा है। और इस मूवी में है एक 12 मिनट का लॉन्ग कट, फुल ऑन एक्शन एंड चेस। ये 12 मिनट का लॉन्ग कट आपको लगेगा कि ये पूरे ही सिंगल टेक में लिया गया है, बट ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे कट्स हैं। बट ये 12 मिनट का सीक्वेंस बड़े ही कमाल का लगता है देखने में। क्रिस हेम्सवर्थ ने इस मूवी में कमाल का काम किया है। जब भी वो स्क्रीन पे होता है ऐसा लगता है कि वो नहीं देखते जाए, और किसी का ध्यान क्रिस हेम्सवर्थ पे फोरआर्म्स पे गया है। डैम, कितने बड़े हो क्रिस हेम्सवर्थ के फोरआर्म्स। मुझे इस मूवी में स्टोरी थोड़ी वीक लगी, बट एक्शन कमाल की थी। मुझे नहीं लगता इस मूवी को हम लोग इस मूवी के बारे में बात करेंगे 7-8 महीने के बाद। हाँ, स्टंट्स बहुत कमाल के हैं इस मूवी के, एक्शन कमाल की है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफ़ी कमाल का है, बस स्टोरी बहुत ज़्यादा वीक थी। और एंडिंग भी आई डोंट नो वाई वैसे एंडिंग रिक्वायर्ड। मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो आई डोंट नो वो एंडिंग क्यों रिक्वायर्ड थी वैसी। मुझे नहीं लगता वो नेसेसरी थी उस वो ऐसी एंडिंग दिखाना, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये मुझे नहीं लगता 6-7 महीने बाद ये कोई मूवी याद रख गया है कि इसके बारे में बात करेगा। स्टंट्स आर द बेस्ट, बट 7-8 महीने बाद मुझे लगता है इस मूवी के बारे में कोई बात करेगा। सो मेरा फाइनल स्टेटस यही हुआ इस मूवी के लिए कि ये फॉरगेटेबल है, लाइक इट्स अ गुड फन बट इट्स स्टिल फॉरगेटेबल। सो मेरा फाइनल स्टेटस होगा फॉरगेटेबल। सो थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए। मैं और भी इंटरेस्टिंग और कमाल की मूवीज के बारे में बात करने वाला हूँ। So stay tuned and keep watching. Thank you.